मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ श्वेता और आप सब लोग कैसे हैं? और मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही थी, तो मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो जैसे मॉर्निंग का रूटीन जैसे होता है, मैंने सारा अपना काम खत्म कर लिया है और ब्रेकफास्ट भी करा दिया है। और आज कुल्लूकस को छुट्टी है तो वो देखने के लिए हो रही है। दो मिनट जस्ट। यही तो गुड मॉर्निंग तो बोलो, सिर्फ दांत दिखाने आते हो कैमरा में। गुड मॉर्निंग। और बिखरे हो आप, बिखरे बोलो, क्या बोलना है आप बोलो। वो मॉर्निंग का जैसे रूटीन होता है, मैंने अपना सारा रूटीन खत्म कर दिया है। और अभी बज रहे हैं 10, और 10 जैसे बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, तो बस नहाने जाना है। तो नहाने से पहले आज कुछ करना है। तो क्या करना है, बहुत दिन हो गए मतलब सर्दी के टाइम तो करना पड़ता है, लेकिन मैं करती नहीं हूँ सर्दी ठंड की वजह से। तो बहुत दिन हो गए मैंने स्किन केयर कुछ किया नहीं था, और जैसे दो दिन से गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी की वजह से मेरा स्किन थोड़ा सा टैन पड़ गया है। तो इसको टैन हटाने के लिए मैं कुछ घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो करूँगी आज। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा छत पे जाना पड़ेगा, क्योंकि छत से कुछ लाना पड़ेगा, एलोवेरा जेल। तो लेके आते हैं, चलिए फिर जाएंगे छत पे। बाप रे बाप, इतनी धूप है। अब ये देखिए, मैंने मेरा एलोवेरा जेल यहाँ लगाया है, तो मैं ये वाला काटूंगी। बस इतना से मेरा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने फेस प्लेन पानी से वॉश कर लिया है और अपना हेयर टाई कर लिया है। मैंने रखा है एलोवेरा ये लीफ, तो इससे मैं पहले फेस क्लीन करूंगी। तो पहले क्या करना है, इसको ऐसे काट लेना है। बहुत स्लीप हो रहा है। ये देखिए, मैंने ऐसे बीच में से काट दिया है। आप चाहे तो इसका जूस निकाल के भी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, मुझे ऐसे ऐसे स्क्रब करना है। और ये अब देखिए, अब 5 मिनट हो गए हैं। अब मुझे ऐसे ही फिर से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। मैंने अपना फेस और नेक पे भी लगा लिया है एलोवेरा जेल, तो अभी मुझे 10 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है। उसके बाद मुझे प्लेन पानी से वॉश करना है। और ये देखिए, मैंने फेस वॉश कर लिया है, लगाने के 10 मिनट छोड़ दिया, फिर फेस वॉश कर लिया है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन और थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी पाउडर। और यहाँ पे मैं डालूंगी ये नींबू का रस। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स हो गया है, अब इसमें मैं फेस पे अप्लाई करूंगी। पैक लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं, 15 से 20 मिनट। और मैंने अपने फेस पे और नेक पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब 20 मिनट बाद इसे वॉश कर लूँगी।
और ये देखिए गाइस, मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। फेस वॉश मतलब क्या, मैं एक साथ नहा के आ गई थी और वो स्क्रब लगाने के बाद मैंने और फेस पे और कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। और देखिए मेरा स्किन इतना सॉफ्ट ही बन गया, मतलब अब दिखने में भी लग रहा है सॉफ्ट हो गया है और मुझे फील भी हो रहा है कि सॉफ्ट हो गया है। तो ये वाला स्क्रब आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है ये स्क्रब। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। चलिए फिर मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और अभी 12 बज रहे, 12:30 बजने को गए हैं तो लंच बनाने का टाइम हो गया है। और मैं आज लंच में कुछ स्पेशल बनाऊंगी, मैं दिखाऊंगी आपको शायद रेसिपी देख सकते हैं। ये क्या है, स्प्राउट्स, ये है मूंग के स्प्राउट्स। देखिए इससे मैं आज एक डिश बनाऊंगी जो कि मैंने स्प्राउट्स घर पे किया था। तो कितने अच्छे स्प्राउट्स निकले हैं ना, बहुत अच्छे स्प्राउट्स निकले हैं इसके। देखो मम्मा, ये दो खाना है दो ग्रीन ग्रीन, मैं तो सच में ब्राउन ब्राउन, वो तो चने का होता है, ये तो ग्रीन मूंग है ना, वो चने का होता है और ये मूंग का है। ये जल्दी फेंक दो। नहीं वही खाते हैं, वही तो अच्छे होता है, अच्छा होता है। तो चलिए मैं इससे एक रेसिपी आपको दिखाती हूँ जो कि है मेरी फेवरेट है, बहुत फेवरेट, मतलब बहुत अच्छी लगती है। और इससे मैं बनाऊंगी आज, दिखाऊंगी बताऊंगी नहीं अभी। तो चलिए फिर दिखाती मैं आपको। देखिए मैं कुकर में बना रही हूँ, तो कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल गरम हो गया है। इसमें मैं एक सूखी मिर्ची और एक तेज पत्ता डालूंगी। इसके बाद इसमें थोड़े से सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। इसके बाद मैं तुरंत ये स्प्राउट्स ऐड करूंगी और इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे मिक्स कर लेना है। और करी पत्ता में मैंने साथ में दे दिया है, तो इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे मिक्स कर लेना है, फ्राई नहीं करना है। और देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें पानी ऐड करना है बस। ये पानी ऐड करके अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूंगी और आप चाहे तो हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये सब ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। और कुकर बंद करके 2 सीटी लगाना है, 2 सीटी के बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगी। और देखिए ये बॉईल हो गया है स्प्राउट्स 2 सीटी में, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी दही डालना है इसीलिए। और यहाँ पे मैंने लिया है 4 स्पून दही और 1 स्पून बेसन, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये बेसन दही के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको जितना चाहिए उसी हिसाब से थोड़ा सा पतला करेंगे ताकि उसमें मिक्स करने के लिए आसानी हो। थोड़ा सा पतला करके अब इसमें मिक्स करना है और यहाँ पे मिक्स करते ही यहाँ चलाते जाना है, नहीं तो दही फटने के चांसेस होते हैं। और थोड़ा पानी देना है, देख के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करते रहना है जब तक एक उबाल ना आ जाए। Oh.
और ये देखिए उबलना शुरू हो गया है। 2 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही उबलने देंगे और मैंने थोड़ा सा नमक और डालना है क्योंकि मैंने स्प्राउट्स में नमक डाला था और दही में नहीं डाला था, तो दही के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करना है। और ऐसे, और ये प्लेन राइस के साथ इतना टेस्टी लगता है ना, मतलब आप जब तक करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं और खाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत मतलब बहुत टेस्टी वाली रेसिपी है और बहुत हेल्दी भी है, जिसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं है। बन गई, फटाफट खा ली और अभी 6:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुल्लू की आज पढ़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि छुट्टी जब होता है तो गुल्लू की पढ़ाई एकदम बंद हो जाती है और आज थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और ये अच्छे है ना, इसको कलर पेंट मैंने ही किया था। ये तो वैसे वो जो मिट्टी का कलर होता है रेड ब्राउन टाइप का, उसी कलर में मिला था, तो इसको मैंने कलर किया था, लेकिन दिवाली के टाइम लिया था मैंने इसे, लेकिन कलर थोड़ा डीप हो गया, मुझे जैसा कलर चाहिए था उस तरह हुआ नहीं। एक्चुअली मैंने जो कलर लेना था, बनाना था, वो कलर मिला नहीं, तो फिर मैंने दो कलर को मिक्स करके ये बनाया था, लेकिन उससे ये कलर मतलब एकदम अलग हो गया। इसको फिर से मैं दोबारा नेक्स्ट दिवाली को कलर करूँगी, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत मोटा है और मेरा यहीं पे ही झूलता रहता है। कभी कभी मैं दिया लगा लेती हूँ इसके अंदर, बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैं अगली दिवाली को मतलब आने वाली दिवाली पे कलर चेंज करूँगी, पहले से ही कलर ढूंढ ढूंढ के लेके आऊँगी और चेंज करूँगी, अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे लगते हैं इसे। दिया लगा के रखो ना, बहुत सुंदर लगते हैं। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।